क्या नाम आपका? नाम राजा राम सिंह। कहाँ से हो? कहाँ से हो? तुम्हें किसी ने किडनैप किया था क्या? नहीं, किडनैप नहीं किया था, तुम्हारे द्वारा ही। मैसेज किसके द्वारा किया गया मोबाइल पे कल? मैसेज मेरे द्वारा ही किया गया था। अभी घर जाना चाहते हैं स्वेच्छा से? हाँ, अभी घर जाना चाहते हैं स्वेच्छा से, घर के बाद काम करेंगे। और कोई दिक्कत परेशानी? ये कल जवा थाने को करीब 8 बजे के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राजाराम पटेल, उम्र 35 साल है, रहने वाले खमरिया गांव का है जो पनवार थाना क्षेत्र में लगता है। और ये कल जानकारी मिली थी, कल सुबह 10 बजे से घर से निकला हुआ था, घर वालों का कहना था कि साथ कुछ पैसे लिए हुए है और घर से गया हुआ है। बाद में करीब अपराध के मोबाइल से एक जो जिसके बारे में बताया जा रहा था, सूचना जो मिली कि उसका एक मैसेज आया उसकी पत्नी के मोबाइल पे कि 25,000 रुपये दो, उसके बाद फिर आपके बंदे को अब तक पहुंचा दिया जाएगा। सूचना थोड़ा सा संदेहास्पद लगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर सेल रीवा की टीम के द्वारा सब पतासाजी कराई गई। इसके बाद पतासाजी के दौरान जब उसका फ़ोन चालू होता है 9 बजे के आसपास, तो पुलिस को जानकारी लगती है कि उसका लोकेशन सतना रेलवे स्टेशन के आसपास है। साइबर सेल की मदद से, उसके कुछ रिश्तेदारों की मदद से जो सतना में ही रहते थे, 9 समथिंग पे उसको रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, पूछताछ की गई, जानकारी ली कि वही अपनी एक ऐसी कहानी बना के घर परिवार के लोगों को परेशान कर रहा था। और ये भी जानकारी लगी है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। पुलिस ने पूरा टाइम जब से उसकी सूचना आई उसके लगातार पूरा रीवा जिले की पुलिस, सतना जिले की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसको पतासाजी करने का प्रयास किया गया। क्योंकि हम लोग इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि अपहरण की कोई घटना है, लोग यहाँ छोटी छोटी बातों में पैसे के लेन देन के मामले में घर से चले जाते हैं और फिर उसके बाद परिवार के लोग अपहरण की सूचना लिखा देते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के चले जाते हैं और फिर दूसरा परिवार अपहरण की सूचना लिखा देता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आप लोगों के संज्ञान में भी आई होंगी। उसमें पुलिस को निश्चित रूप से अपने सारे काम छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के उस काम में लगना पड़ता है। अतः रीवा की जनता से पुनः अनुरोध है कि इस संबंध में ध्यान दें और इस तरह की किसी सूचनाओं को प्रसारित ना करें, गलतियाँ ना करें। धन्यवाद।